श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री सुंदर साथ जी की जय। कहूँ न दिखावै
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, बोलो श्री सुंदर साथ जी की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। स्वामी जी कुछ बता रहे कि जब इस ज्ञान को लेके जाओ नम्रता झुक के एक भाव से एक रूप होके, जैसे कोई दास बैठता है गरीबी का भाव लेके, ऐसे रहना तुम करियो तो काम। बस स्वामी जी कहते फिर काम होगा। और अगर पहले ही मारे लिए तुमने सोफा नहीं बिछाया, बढ़िया चद्दर नहीं डाली, तुमने क्या समझा है हूं आचार्य छू। स्वामी जी कहते कभी भी मेरे पहचान को करा सकोगे नहीं, तुम्हारे अंदर अहंकार है, मैं खुद ही है। जहां मैं खुद ही अहंकार है वहां प्राणनाथ जी की कृपा कभी हो नहीं सकेगी। ये थोड़ी इशारत लिखी। स्वामी जी कहते हैं जो अचान हो अज्ञानी हो उसको तो समझाया जा सकता है, मैंने ये थोड़ा सा आपको इशारा करके लिखा है और तुम फिर खुद बुद्धिमान विचक्षण हो, तुमको मेरे स्वरूप की पहचान हो गई है, ज्यादा समझाना भी उचित नहीं है। वास्ते दिन इस्लाम। वो भी अपने जागने के कार्य के लिए और राज्य महाराज के स्वरूप की पहचान करने के वास्ते। जब ये ज्ञान किसी को सुनाना चाहो अहम मैं खुदी मैं श्रेष्ठ हूँ ये कभी भाव लेके नहीं जाना। पीछे तो तुम बुद्धवान हो। फिर स्वामी जी कहते हैं अब मैं आपको समझाऊं भी क्या, आपको तो सब ही ज्ञान और बुद्धि राज्य ने जागृत बुद्ध दे दी है। खिदमत के बात दिखायो रंग। और फिर जहां जाओ वहां क्या करो, सेवा का भाव लेके जो भी काम हो सेवा करो, उससे उनको क्या फीलिंग होगी, भाई ये तो हमारे जैसे, कोई उनको बोझ नहीं लगेगा तुम्हारा कि ये क्या मुसीबत गले पड़ गई है। वचन चोखा कहियो। और जब किसी को बुलाओ, बुलाना तो है ना, शब्द तो लगने हैं, तो कहते हैं जब भी किसी को बुलाओ जी करके प्रेम के शब्दों से, ए चेतन ए केतन ना जी करके प्यार भरे शब्दों के साथ बुलाओ। हम रहे तुम्हारे संग। प्राणनाथ जी चली गया, प्राणनाथ जी मर गया, आज उनका व्रत रखो। करे क्या, बस बस नहीं चलता। क्या लिख रहे हैं, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुमसे जुदा नहीं हो सकता। जो खेरा तो पदशाही। और क्या करना, जाके बड़े बड़े बढ़िया खाने, हमारे गुरु महाराज पक्का भोजन करते ना, ये अपना काम नहीं। जैसे फकीरों को भोजन मिलता है, जो रूखा सूखा मिले महाराज क्या खाते, पक्का भोजन देसी की ना, जो वहां बनाओ वही स्वीकार। नहीं जी नहीं, नो स्पेशलिटी, जो आप मैं वही करूंगा। इतनी गरीबी और नम्रता से चलना, जिभा के रस लेने हैं तो घर बैठ जाओ, बिल्कुल इस भाव के साथ जाके उनमें मिल जाओ, ताकि उनको किसी प्रकार से कष्ट तुम्हारा ना लगे। हम गुजराने तीन पर। उन्हें अगर वो कहे भी क्यों, इस समय वो बादशाह के घर गए हुए, कि बादशाह तुम्हें बड़े बड़े खाना भी देंगे, जहां से तुम अपने फकीरों को दान में देते हो, हम वही रूखा सूखा खाने वाले आदमी हैं, हमें और बढ़िया खाने या कुछ मिठाइयां नहीं चाहिए। तुम हमारे मुरब्बी मीर। और उनको उल्टा तुम कहो, अजय आप हमारे मुरब्बी हैं, आप हमारे पूज्य हैं, आप हमारे बड़े हैं। नहीं नहीं, आप बड़े हैं इस वास्ते तुम्हारे कदम, इस वास्ते। अब देखो क्या क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि तुम मुसलमानों के पास गए हो, कहो जी हम तुम्हारे पास कुछ लेने के लिए आए हैं, आप हमारे मुरब्बी हैं, हम आपके कदम छोड़ के अब जाएंगे नहीं, छोड़े ना दम हम, हम छोड़ेंगे नहीं अब तुमको कछु देने कहे। ध्यान दो, और बादशाह है तुमको कुछ देने के लिए, फिर कहे कि भाई मोमनो आए हो कुछ ले लो,
तो मांगियो हवेली तुम। क्या लगे बादशाह सलामत? ये स्वामी जी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, क्या बादशाह हमें कोई संसार की चीज चाहना ही नहीं, हमने लेनी नहीं है, एक हवेली दे दो, उसमें हम बैठ जाएं और फिर ध्यान दो, ऐसा काजी हमको दो जो परम धाम का ज्ञान हो, ये मांगो। और ये उनके पास कहां से लाएंगे? उनको कहो कि हमें एक काजी दो जो हमें कुरान की तालीम दे और अर्श अजीम परम धाम का रास्ता और उस अर्श की सब बातें हमको सिखा रहे। खाने को पेट माफ कर। और स्वामी जी कहते हैं ये नहीं कि सेठों के घर या बादशाहों के घर या अच्छे अमीरों के घर तुम्हारा जाना हो। यार आज तो गुलाब जामुन बने, आज तो गाजर पाक है, ठीक है पेट भर गया, अरे देने आ गया दोबारा परोसने गुलाब जामुन, अच्छा दो तो रखी जा, ऐसा ना करना, ऐसा ना करना, पेट माफ, जितनी इच्छा हो उससे भी कम भोजन करना। और मुल्ला पढ़ाओ ने कलाम। और उनसे क्या मांगना कि जी हमें एक मुल्ला दो, क्योंकि हम नए नए अभी आए हैं दीन इस्लाम में, वो हमको कुरान, देखो बहुत समझने की बातें, कुरान की शिक्षा देवे। और कागज बेतल माल से। और कागज जो है जहाँ सारे कुरान वगैरह सब ग्रंथ मिलते हो वहीं से लेना। रसूल अलैहि सलाम। जिस तरह से मोहम्मद साहब ने गरीबी से काम किया। सो तुम इनसो मांगियो। और इनसे क्या मांगना? हमको दे तालीम। कि वो काजी जो है वो हमको तालीम देवे, शिक्षा देवे, क्या हमको तरबियत करो, हमको तरबियत सिखापन दियो कि वो अर्श परम धाम कहाँ है और अल्लाह ताला का वहां पे स्वरूप अक्षातीत का क्या है, क्या श्रृंगार है और वो परम धाम क्या है, वो हमको समझावे, ऐसा काजी हमको दो जो कलाम अर्श अजीम, जो अर्श परम धाम की बातें 25 पक्ष का ज्ञान है, जो तुमको ना दे वही। अब अगर वो इस बात से तुम्हें ना दे के भाई ये कुरान तो हमारा है और ये हिंदू लोग हैं तो अपने जान पने, क्या अपना है ये, हमारा मुसलमानों का है, पर तुम खिदमत ना छोड़ियो, पर तुम उनकी सेवा ना छोड़ना, खिदमत में रहना, जो चाहो इन्हें, जो इनको चाहोगी जब वो तुम्हें नहीं दे सकेगा तो फिर वो चाहना करेंगे, इनका रुकता ना दियो, ध्यान देना, फिर क्या करना, एकदम उनका खंडन नहीं करना और सारे ही परम धाम एक दिन में ना सुना देना, समझे, इनका रुचता जितना जितना वह समझ सके, जितना जितना वो सुन सके, धीरे धीरे उनको उतना रुचता मैंने भाती हुई बातें कहना, और खूब अच्छी तरह से उनके सब शम से मिलाई और रिजाइयो, इतनी अर्ज कीजियो, और फिर उनसे अर्थ करना, बादशाह तुम्हारे पर प्रसन्न होगा तो क्या कहना, बात कहे कंद, ऐ बादशाह सलाम अगर वास्तव में आप हमारी फरियाद सुनना चाहते हो तो ये मानी एक छोटी सी इच्छा है कि आप एकांत में बैठ करके हमारे से कुरान पूछो और हमें समझाओ, क्यों, क्योंकि औरंगजेब कुरान के सब भेद जानता था, डेली अपने हाथ से कुरान लिखता था, काजी कोई कुरान के भेद जानता नहीं था, इसलिए औरंगजेब को कहना आप एकांत में बैठ करके हमसे पूछो और हम आपसे पूछें। कोई लड़का ही बुद्ध सो, नोट करो ये, क्योंकि जीवन के अंदर चीजें और किसी भी ऐसे आदमी से अपना दोस्ताना फ्रेंडशिप ना रखना जो हर बात में मजाक ही करता है, जिसको इतना शहूर ना हो हाउ टू टॉक एंड हाउ टू डील, कभी उनकी सोबत में रहना नहीं, नहीं तो तुम्हारा भी एक दिन स्वभाव ऐसा हो जाएगा, तुमको भी किसी प्रकार की सेंस नहीं रहेगी कि कहां क्या चीज बोलनी चाहिए और बिल्कुल तुम भी फजूल आदमी हो जाओगे।
राख्यो नहीं सोबत। कभी भी ऐसे आदमी की जो कच्ची पक्की बातें अनर्थ अनर्गल बोलता हो उसकी फ्रेंडशिप में कभी कभी भी उसके साथ मित्रता नहीं गांठना। वारी कर बुलाया। फिर वो यदि कभी आता भी है तो तुम हल्के शब्दों से ना पुकारना, उसको भी बड़े आदरणीय शब्दों से रिस्पेक्टेड शब्दों के साथ बोलना और उसको चांस ही नहीं देना कि वो तुम्हारे साथ कोई लूज टॉक कर सके। जब तुम पूछे इधर और देखो फिर रुख बदला। कौन पूछे? उसने थोड़ा पूछना है। जब बादशाह तुम्हारे से कोई बात पूछे जो बुला लो अपने लड़के को तो इतने प्यार भरी आवाज से बोलना जैसे एक पिता बच्चे के साथ प्यार से बोलता है। कोई वो अकड़ वाली कठिन भाषा से व्यवहार नहीं करना। ये जवाब करो तुम इस तरह से जवाब करो जो सवाब तुम ले कहो। फिर उनको क्या कहो बादशाह सलामत, आप इतना जुल्म जो हिंदुओं पर कर रहे हो आप बताया कि उसको इंस्ट्रक्शन दो किस लिए कि अल्लाह और मोहम्मद का प्रचार हो जाए, पर तुम्हारा मेथड जो है टोटली रॉन्ग है। क्यों? कि तुम जबरन यदि किसी के मुंह में गोश्त डालो और उसको कहो अल्लाह का नाम लो तो तुम्हारे डर की वजह से, औरंगजेब का समय है तो भले वो कह लेगा लेकिन उसका दिल कभी भी साफ हो नहीं सकता और उसके दिल में कभी ईमान आ नहीं सकता। बादशाह सलामत, बादशाह कुल प्रजा का पिता के समान होता है। बादशाह प्रजा का पिता के समान होता है और सारी प्रजा इक्वल होती है उसके लिए। तुम मुसलमानों से प्यार करते हो तो हिंदू क्या तुम्हारी रिहाया नहीं? जिस तरह से तुम मुसलमानों को प्यार करते हो इस तरह से हिंदुओं को भी प्यार करो। और फिर जिस तरह से तुम तलवार से प्रचार करना चाहते हो, क्या कोई हिंदू का दिल साफ हुआ? हमको हाथी ने भी प्यार करके समझा के बताया है कि परमात्मा सबका एक है। कृष्ण कहो या मोहम्मद कहो दोनों के अंदर आत्मा अक्षर की है। देखो सुनो, ब्रिज और रास में अपन आए तो आत्मा किसकी थी? आत्मा अक्षर और जोश धनी दाम अर्व में सिर्फ गए ना, तो ब्रिज रास खेल के आए बरारव श्याम, वही अक्षर आत्म और वही जोश राज्य मनाय का वहां मुस्तफा बेग के तन में बैठ के काम कर। तो अब बताओ हमारे लिए कृष्ण या मोहम्मद में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। तभी पन्ना जी में या कहीं भी देखना क्या लिखा होता है, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरा बराबर और दूसर क्या है ला इलाह इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। आज हमारा कृष्ण से क्यों वास्ता नहीं? क्योंकि कृष्ण के अंदर आत्मा अक्षर की है। तो अक्षर तो हमारे धनी नहीं। तब आके स्वामी जी ने कहा बस कृष्ण वहीं तक था, अब क्या है निज नाम श्री जी साहेब सबका एक है। उसमें कोई धर्म की अर्चन किसी के वास्ते है ही, सबका साहेब। उसमें हिंदू मुसलमान की तमीज की कोई जरूरत है? मानो कोई क्रिश्चियन बैठा है अंदर ऑफिस के तो हम क्या पूछते हैं कि क्रिश्चियन बैठा भाई साहब है? हाँ ये चिक उठाई और अंदर हिंदू आए तो मुसलमान आए तो सिख आए क्रिश्चियन आए वो सबका साहिब है। ये वर्ड ही ऐसा है कि भविष्य के ग्रंथों में लिखा था साहिब आएगा। अब उस साहिब के सामने कोई भेषभाषा का चिन्ह ही नहीं है। जब कहे के कहो तुम और कहो ऐ बादशाह सलामत, जैसे तुम मुसलमानों को बच्चों की तरह बुलाते हो हिंदुओं को भी उसी तरह से बच्चों की तरह से बुलाओ। तब काजी हजरत और तुम अब फिर पासा पलटा कि तुम जब उनको बुलाओ ए काजी साहब नहीं बोलना, काजी साहब हजूर अली गरीब परवर बंदा निवाज आली जा आप तो हमारे मुरब्बी हैं, इतनी शोभा युक्त शब्दों से बुलाना। इनसे तुम यही कहो उनसे तुम यही कहना बात सुनो हमारी एकांत। फिर औरंगजेब की बात आ गया, एक एक छुपाई को पकड़ना बड़ा मुश्किल है।
कि ऐ बादशाह सलामत, जब भी तुम उसको मुसलमान बादशाह से बातें करो, जो कोया है हमारा, क्या कहना कि ऐ बादशाह सलामत, ऐ औरंगजेब, अगर कोई हमारा हिंदू आता है उनको गोश्त न खिलाओ, तलवार के जोर से मत डराओ, हमारे पास भेजो, हम उनको बताएंगे कि मोहम्मद कौन है, अल्लाह ताला कौन है, और सारी बातें हम समझाएंगे जिस तरह से हमको हादी ने समझाया है। और आज हम अक्षातीत कहने में, अल्लाह ताला कहने में हम नहीं डरते, क्योंकि हमको समझ लग गई है कि ये केवल भाषा का भेद है। अक्षातीत कहो या अल्लाह ताला कहो, एक ही बात है, भाषा का अंतर है। जैसे हिंदी में पिताश्री कहते और इंग्लिश में फादर कहते, इतना ही अंतर है और कुछ नहीं है, अर्थ एक है। तब हम उनको बिठाएंगे, पहले वेद शास्त्र पुराणों से बातें बताएंगे कि परमात्मा एक सच्चिदानंद है, फिर पुराण से बताएंगे कि उसी को अल्लाह ताला कहते हैं। संबंध से सारी ग्रंथ का नाम है, वाणी के अंदर संबंध ग्रंथ है, उसको समझा देंगे। फिर जब उसको पता चल जाएगा, अरे श्री कृष्ण और मोहम्मद तो एक ही है, तो उसको मोहम्मद पर यकीन लाना फिर कुछ भी कठिन नहीं लगेगा। वो समझ जाएगा कि भाषा के केवल अंतर है। जिनको होए पहचान, तब उनको जाके कहीं पहचान हो जाएगी, तो अल्लाह पर विश्वास लाने में उसको कोई आपत्ति नहीं होगी। जिन बात हमको, जिस तरह से हम भी पहले कर्मकांडी थे, सब कुछ था, हमको श्री प्राणनाथ हादी ने ये सारा कुछ समझा के यकीन दिला दिया, और आज हम कुरान पर यकीन रखे बैठे कि इसके अंदर हमारे परमधाम की निशानी है, इसके अंदर हमारे प्राणनाथ जी की पहचानी है कि आखिर जमा इमाम मेहंदी करके लिखा हुआ है। श्री महाराज ने, स्वामी जी ने जिस तरह से हमको ये यकीन दिलाया है, जो हम रसूल देखा है, इस तरह से हम उनको रसूल की पहचान करा देंगे, आप चिंता मत करो। यो करे इस्लाम का काज, अब देखो कि तुम भी इस्लाम का काम कर रहे हो पर तुम्हारा सीधा नहीं हो रहा, क्योंकि तू जबरी गोश्त खिला के तलवार के डर से खिलाते हो, और स्वामी जी ने हमको को गोश्त तो नहीं खिलाया, कोई हमको तलवार का डर नहीं बताया, ज्ञान के द्वारा हमारी अज्ञानता को हटा दिया है कि भले कोई हिंदू है या मुसलमान है, पर जिसको परमात्मा कहते हैं वो सबका एक है। सिर्फ फर्क कितना है कि हम सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्मक्षातीत कहते हैं, वो अल्लाह ताला कहते हैं। ये स्वामी जी ने हमको भेद बता दिया है, अब हमें पूरा यकीन है। उन हिंदुओं को हमारे पास भेजो, हमारे से मुलाकात करें, हम उनको सत्संग सुनाएंगे, हम उनके भेद जो दुर्दे के हैं उनको मिटाएंगे, खाए पिए हम में, और हमारे पास रहेगा, खाएगा पिएगा, साफ दिल होए रसूल पर, फिर हम उसके दिल की मलिनता द्वितीय भाव जो है वो हटा देंगे, फिर उसको यकीन आ जाएगा। और उनका जैसे हिंदू धर्म पर यकीन है, वो इस्लाम पर भी यकीन रखेगा कि ओहो ये तो भेषभाषा रस्मों रिवाजों की लड़ाई है, लोक लाज के बंधन पड़े हुए हैं, परमात्मा तो सबका एक है। तब कलमा कहे मुख से, फिर चाहे उन्हें कह देना नहीं नाम श्री कृष्ण जी तो कह लेगा, या कलमा कहलाओगे तो कह लेगा, क्योंकि उनको पता है परमात्मा एक है, लैंग्वेज का फर्क है, उसके हृदय में जो गांठ लगी है वो खुल जाएगी। मांगे नहीं तुमसे, और है बादशाह समझने की बातें, आज तो तुम बड़े बड़े सिपाह सलारों को लालच देते हो, अरे कलमा पढ़ ले तुम्हारी प्रगति कर देंगे, कलमा पढ़ ले इतना पैसा दे देंगे, जब उनको पहचान हो जाएगी तो फिर वो कुछ भी तुम्हारे से मांगेगा नहीं, उसको ज्ञान हो जाएगा, अज्ञानता हट जाएगी, आस तुम्हारी ना करे, और कभी तुम्हारी आस भी नहीं रखेगा कि आशा के चलो इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले बड़े हो जाएगा ना, फिर वो मिथ्या जगत की तमन्ना आज कुछ भी नहीं लेके चलेगा। ना डर दिखाओ उन्हें, पर एक बात करो कि उनको डर ना दिखाओ,
जब तुम डर दिखाते हो, तलवार दिखाते हो, मांस खिलाते हो, तुम्हारे डर से वो कलमा कह तो देता है पर उसका दिल तो निर्मल नहीं होता, वो ये दिल से तो यकीन नहीं लाता। और जो तुम जाहिरी, और अगर तुम जाहिरी खिलाने लगे गोश्त तलवार के डर से खिलाओगे तो डिगना आवे तुम्हारे। इसलिए हिंदू जो है डर के मारे तुम्हारे नजदीक नहीं आते। बड़ा दोष हो, ये बड़े पाप की बात है। बादशाह सलामत इसको बंद करो। जैसे महात्मा गांधी ने कोई अंग्रेजों के साथ युद्ध तो नहीं किया, नहीं तो वर्ल्ड के अंदर हिस्ट्री उठाइए, क्या कोई ऐसा कंट्री है जिसने बगैर युद्ध के लाखों आदमियों को मरवाए बिना आजादी लिए? एक महात्मा गांधी का ज्ञान था। वो कौन सा ज्ञान था? प्राणनाथ जी की वाणी आज भी पोरबंदर देखो। इस दीवार के साथ यदि ये मंदिर है तो इसके साथ वाला मंदिर प्राणनाथ जी के मंदिर है। और महात्मा गांधी जी ने अपनी लाइफ हिस्ट्री में लिखा है, छपा भी हुआ है सत्य दर्शन के अंदर। उन्होंने अपने बालपने की अवस्था बताई है। गांधी पिक्चर के अंदर भी है कि जब उसका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का फ्रेंड पोरबंदर पहुंचता है तो उस समय महात्मा गांधी दरिया के किनारे एक बकरी की टांग पर पट्टी बांध रहे थे। तो वो पूछता है, अरे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लॉ मिनिस्टर मिस्टर मोहन, What are you doing? कहते भाई, मेरा देश एक दरिया के समान है, इसमें सब रहते, जुदा जुदा जानवर है, मछली भी है, संसार भी है, कछुए भी हैं, सब रहते, पर अनेकता में एकता के रूप से रहते। इसी तरह से मेरे देश के अंदर जो है सब प्रकार की जातियों के लोग रहते हैं, हजारों धर्म है, हजारों भगवान हैं, फिर भी अनेकता के बाद एकता है। ये ज्ञान, फिर आगे क्या कहते हैं, ये ज्ञान मेरी माता पुतलीबा बचपन में मुझे मंदिर ले जाती थी और वहां का पुजारी गीता भागवत और कुरान रख के एक परमात्मा की पहचान कराता था, पर उस समय मेरी समझ में आया नहीं। अब मैं कुछ कुछ समझने लगा हूं प्राणनाथ जी की वाणी। और ये जो सूत कातना कहां से सीखा? कातनियों के विकरण से। आश्रम बनाना कहां से सीखा? समझी की वाणी से। सेल्फ सफाई करना हर जगह जाके कहां से सीखा? समझी की वाणी से। एक ने समझा और समझ के चल के दिखाया और आज ये करके दिखाया। स्वामी जी हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे कि अब उन सुंदर साथ को कह रहे हैं, तुम बादशाह को ये सिखापन देना। तब रसूल पर आकिना, तब सारा कोई हर कोई रसूल को भी समझ जाएगा, पार ब्रह्म को भी समझेगा, सबको यकीन आ जाएगा कि हो ये जुदा जुदा नहीं है, परमात्मा तो सबका एक है, पर जुदा जुदा लैंग्वेज में जुदा जुदा नाम लिख दिया है। अब हिंदुओं को अल्लाह से डर लगता है और मुसलमान अक्षरतीत नहीं कह सकते, केवल ये दीवारें कर्मकांडों की और शरीयत की बन गई हैं। तो स्वामी जी ने कहा, हिंदू ना छोड़े कर्मकांड और ना शरीयत, मुसलमान यूं सुनाए सुनाए सबको बना दिया बेईमान, इसको तोड़ दो। तो आत्मा सबकी एक है। कर्मास एंड धर्मास बाय बॉडी नॉट बाय सोल, कर्म कांड ये सब देह से है, आत्मा इनसे परे की बात है। तब फुरमाया क्यों ना करे, तब है बादशाह सलामत जो लिखा है कुरान में, कौन नहीं जाता कि मेरा भला हो जाए। केवल डर ना दिखाओ किसी को, डर से या उस तलवार से कोई किसी के धर्म को अडॉप्ट नहीं करेगा। आवे हुकम तले सब सोए, और जिस तरह से आज हम यकीन लाए, कौन अपना भला नहीं चाहता, सब आ जाएंगे यहाँ चरणों में। हम पहले मिलाप किया, और है बादशाह सलामत हम चाहते थे कि हम हिंदू भेष में रहे, शेख सुलेमान से जो है हमने मुलाकात की, कभी हमें तुम औरंगजेब से मिला दो, पर उसने दो महीने तक वायदा किया, नहीं मिलाया। उसके बाद शेख निजाम आपका राजगुरु जो है
शेख इस्लाम जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, और उसके बाद रजवी खान जो आपके दरबार का दीवान है, और आकर खान जो कुरान का सबसे जानने वाला है, सीधी बुला जो कोतवाल पुलिस का सब है हेड है, हमने उनको कहा, लेकिन किसी ने भी तुम्हारे से हमारी मुलाकात नहीं कराई। तब देखा कि शरीयत जोरावर है और लाचार होकर हमको ये भेष पहनना पड़ा। अब इस भेष को पहन लेने के बाद हिंदू हमारे से डर गए हैं, कभी ये तो मुसलमान हो गए हैं, नहीं समझे। हरिद्वार तक तो चर्चा सब कोई नया सुंदर साथ आता है ना, बड़े आराम से सुनता है, फिर जब दो तीन दिन सब कुरान का ही विषय चलता है, भाई ये बड़ा है, ये बीच में इन्होंने कुरान क्यों घुसेर लिए, हमारा कुरान से क्या मतलब, हमारा मतलब कुरान से है, हमारा मतलब बाइबल से है, हमारा मतलब सिखों की वाणी से है, क्योंकि अगर वहां पर कोई आत्मा है तो किससे समझेगी। अमृतसर गए, वहां ओपन मंच लगा, तो वहां हमने उनके ग्रंथ से ही पहचान कराई, तो सिख लोग भी सुंदर साथ बन गए। यदि हम उनके ज्ञान को जानते नहीं है तो फिर हम वहां फंसी हुई जो उस तन में आत्माएं होंगी कैसे निकालोगे। इस रास्ते जो है ये नॉलेज है, ये ना समझो कि भाई कुरान की चर्चा हो रही है तो हम मुसलमान हो गए या सुंदर साथ को मुसलमान बनाते। तो बताओ जरा, मेश भाई जी के घर को लौटे देखे आपने नमाज पढ़ने वाले, बोलो तो खरा भाई है। अगर हम सबको मुसलमान बनाते हैं, क्योंकि कई लोग प्रचार करते उनकी चर्चा ना सुनना वो मुसलमान बना देंगे, कौन बना भी मुसलमान, कौन बना, हम सारे मुसलमान हैं। ओ घबरा नहीं जाना, मुसलमान का अर्थ क्या है, जिसका यकीन पार ब्रह्म पे पूरा है, पक्का यकीन, इतले मुसल्लम ईमान, पूरे यकीन वाले हैं वो मुसलमान। वो जो मांसाहारी है वो मुसलमान थोड़े, ये मतलब है। स्वामी जी कहते हैं जब तुम सारे भेद समझ जाओगे तो फिर हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या क्रिश्चियन है, तुम्हें किस बात का डर है। चलो क्या हो गया, शेख सुलेमान के, वो बता दिया ना सब, शेख सुलेमान से मिले, काजियों से मिले, उन्होंने किसी ने हमारी मुलाकात नहीं कराई, इसे तुम निकालोगे। और फिर है औरंगजेब, जब उन सबको पहचान हो जाएगी ना, अब तो तुम कहते आओ कोई आता नहीं, जब पहचान हो जाएगी तो तुम धक्के भी मारोगे तो कोई जाएगा नहीं, पहचान कराओ उनको, उनके मन के शमसे मिटा दो, ये जुदा जुदा रस्मों से उनको निकाल दो, पहचान कराओ वो एक अल्लाह जो है, एक परमात्मा जो है वो कौन है, और उनके साथ हमारा नाता क्या है। सब दौड़ेंगे आप ऐसे, तब जो है सारा भाग भाग के, कौन अपना भला नहीं चाहता, कौन अपना कल्याण नहीं चाहता, कौन दुखों में मरना चाहता है। इस्लाम और इस निजानंद संप्रदाय में दुनिया भाग भाग के जिसको दीने इस्लाम कहते हैं, हिंदी में उसी को निजानंद संप्रदाय कहते हैं। जो फरमाया रसूल का, और जो फरमाया किसने, श्री राजी महाराज ने कुरान में लिखवाया, जिसको रसूल साहब ने जाहिर किया, सिर चढ़ाते तब उसी वक्त सारे सिर चढ़ा लेते, हमारा साथ बहुत है। और है बादशाह सलामत, हम तो केवल 12 जने हैं, हमारा बहुत सुंदर साथ अभी बाकी है, आवे दौड़ के सब, सब दौड़ के आ जाता। श्री महाराज तीन को, अब ध्यान देना, स्वामी जी ने हमको हिंदुओं को, हिंदुओं वाले बात हिंदुओं के ग्रंथों से, और मुसलमान वाली सारी बातें, सुंदर सा जी पढ़ के देखो कभी कुरान को, परम धाम का वर्णन है, श्री जमुना जी का वर्णन है, हौस कौशल का वर्णन है, रंग महल नवभूम दसवीं आकाशी का वर्णन है, सारी बातें किसने हमको बताई है, स्वामी जी ने आके सारे भेद हमारे मन के शम से मिटाकर हर ग्रंथों को एक करके पहचान किसकी कराई, अक्षरा तीर की कराई है या रसूल पर ईमान। और हमें पता चल गया कि स्वामी जी वाणी क्या कहती है, वो सुंदर साथ तुम ना घबराना, हुक्म लेकर हाथ में कहलाया मैं रसूल, देखो अरवाहें अर्श की, जिन जाना तुम,
हिंदू तो भूले पड़े हैं, पर ये सोचो, ध्यान दो, परम धाम में चार चीजें हैं, राज्य शमन। पांच मिनट बाकी हैं, अब जरा आंखों को चुस्त कर लो, सोने का टाइम नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ, राज्य श्यामाजी सखियां और अक्षर चौथा, और तो कोई नहीं। अब अक्षय ब्रह्म ने, श्यामा जी ने और सखियों ने खेल मांगा कि नहीं? वो आ गए फरामोशी में, जागता कौन है? एक राज्य महाराज। अब उसने यदि टपाल भेजनी है, किसके हाथ भेजी? किसके हाथ भेजी? पांचवा तो कोई है नहीं, तो खुद टपालिया ना भेष बदल कर आया और टपाल देंगे। किसी को पता नहीं चला के कौन आया, पूछे कि बहन टपालिया आज? हाँ आया था हमारी चिट्ठी। कौन था भाई? ये तो मैंने खबर नहीं, टपालिया आया था। इसी तरह से अरब में कौन आया मुसलमानों को भी पता नहीं, टपालिया आया। टपालिया कौन था? खुद अक्षरा तीत भेष बदल के आ गया, टपालिए की ड्रेस पहन ली, चिट्ठी बांट गया। किसी को पता ही नहीं चला कि कौन आया और क्या है। ये है कुरान। अब राज्य महाराज आएंगे कोई किताब लेके, तो कहां की लाएंगे? परम धाम का ही तो ज्ञान लाएंगे या कुछ और है? अब मुसलमान उसको समझ नहीं पा रहे, हम खोलेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमारे प्राणनाथ हमारे परम धाम का ज्ञान। ये किसने दिया? स्वामी जी ने आकर ये सारे भेद खोल करके हमको बताए हैं। पर हम पर कसाला पड़ा, पर ए भाषा, अब भी बहुत लोग हमारे आ जाते, पर हम पर कसाला पड़ा। तुम्हारे काजियों ने, तुम्हारे कोतवाल ने हमारे पर इतना जुल्म ढाया, बताओ डर के मारे कौन जो है इसको स्वीकार करेगा? साथे हटे न ले आवे पहचान, फिर भी कितना मारा है तुम लोगों ने, फिर भी हम यकीन तो नहीं छोड़ा, पीछे तो नहीं हटे। इसी तरह से जब सब दुनिया को पहचान हो जाएगी तो धर्म से कोई भी पीछे हटेगा नहीं। खुद को अब भाषा को कह रहे हैं, खुद को पूछो। खुद को पूछने का क्या मतलब? कि जो तुमने काजी की ड्यूटी लगाई थी उनको सारे संशय हमने मिटा दिए हैं, अब उससे पूछ ले, वो तो तेरा आदमी है ना भाई, वो काजी तो तेरा आदमी है, हमारा तो नहीं है, उससे पूछ लेना, वो तेरे सब संशय मन के मिटा देगा। कि 11वीं सदी में आखिर जमा इमाम मेहंदी अल्लाह ताला श्री प्राणनाथ जी दुनिया में जाहिर हो चुके हैं। तुम जानो क्यों समझाओ, और जिस तरह जो है समझना चाहते हो काजी से पूछ लो, उनके खुद संशय हमने बैठ के मिटा दिए हैं। ताकि जब स्वामी जी कहते हैं औरंगजेब को जो है स्वामी जी की वाणी देनी है, जब उसके संशय मिट जाएंगे तो वो भी स्वामी जी के चरणों में आ जाएगा। इन पर जोर जुलाम ना करें। अब फिर पासा बदला कि है औरंगजेब बादशाह, कुल समाज हिंदू भी आ जाती और इंस्ट्रक्शन इशू कर दो, आज के बाद किसी हिंदू पर जुल्म करना। वाणी से स्वामी जी ने जो है उसका सिर झुकाया, लड़ाई युद्ध से ये काम नहीं होते हैं। ना पकड़े कलमे को, इस वास्ते जो है कोई तलवार के जोर से या डंडे के जोर से या किसी को गोश्त खिलाओगे तो कोई कलमे को नहीं समझेगा। हदीसा देखे होए, हाँ जब वाणी से समझा दोगे, मन के संशय मिटा दोगे, तो कौन आदमी है जो अपना भला नहीं चाहता? कलमा कहने में, फिर उसको जो है अक्षय तीर कहने में या अल्लाह ताला कहने में कोई भी फर्क नहीं लगेगा। कोई पकड़ काहू की ना करे, अन्यथा कोई किसी के धर्म को कोई नहीं लेना चाहता ना पकड़ना चाहता है। ठोर समझावे से, हाँ जब ठोर ठोर समझा दोगे, हर बातें समझा दोगे, फिर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इनको कुरान से, और उनको फिर कुरान के भेद समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सब करे हम जेर, कहना कि हम उनको जेर करेंगे, हम बताएंगे उनको, हम प्यार से समझाएंगे। ये तरीका प्राणनाथ जी का है समझाने का। तुम तलवार और गोश्त से करते हो, कोई हिंदू डर के पास तुम्हारे आता नहीं है। और लिया में सबन को, और सबको एक जगह, सब दुनिया मिलसी एक, और फिर कोई ना कैसी धनी भी रहा। सब
तब आवे श्री महाराज, तब स्वामी जी यहां आ सकते, अन्यथा नहीं, उससे पहले, क्योंकि बड़ा दंड पड़ा उनको कि बताओ उस हाथी का कौन है, तुम्हारा कहां रहता है। कहते टुकड़े टुकड़े कर दो, हम नहीं बता सकते। कहते जब यूं एक रास हो जाओगे फिर वो खुद ही प्रकट हो जाएंगे दुनिया के सामने। तब आवे वह फकीर, वो फकीर जो है हमारे हाथी प्राणा जी आ जाएंगे, जहाँ खड़े तुम, जहाँ तुम आज खड़े हो यहीं पर भी आ जाएंगे। ये भी वही इस्लाम है, ये दीन इस्लाम। स्वामी जी कहते हैं तुम भी दीन इस्लाम चला रहे हो, मांस खा के मीट खा के, ये धर्म नहीं है। हम भी आए कुरान को समझ गए, यकीन लाए, लेकिन कौन के रास्ते से, जो प्राण नाशी ने प्यार से शमसे मिटा के सबको एक रस किया है। हम खड़े उन पर सब, और हम यकीन लेके खड़े, टुकड़े टुकड़े भी कर दो आज हमारा ईमान नहीं गिर सकता। तुम चाहत दीन मोहम्मद का, तुम भी दीन मोहम्मद चाहते हो पर तुम्हारा मेथड रॉन्ग है, इसको बंद कर दो, किसी हिंदू पर जुल्म ना करो, सबको प्यार से देखो। और स्वामी जी ने भी तो यकीन दिलाया, लेकिन वाणी से शंसे मिटा के एक रस करके दिखाया है। बड़ी करत तलब, तुम्हारे दिल में बड़ी चाहना है कि हम हिंदुओं को मुसलमान बना दें। ए औरंगजेब, ये होने वाला नहीं, अपना मेथड बदलो, अपना तरीका बदलो। चाहिए कुवत हक सुबान की, और फिर तुम्हें अभिमान है कि मैं राजा हूँ, मैं ताकत से सबको बना लूंगा। नहीं, खुदा के काम के लिए ताकत अपनी अकल अपने जोर से, काम खुदा का नहीं हो सकता। माया के काम तुम अपनी अकल जोर से कर सकते हो, खुदा के कार्य के लिए उन्हीं की शक्ति, उन्हीं का सब कुछ जब लेके चलोगे सब काम हो जाएंगे। इस वास्ते तुम क्या करो, जब करके बुलाओ लड़के, ये औरंगजेब को सिखा पन लो कि तुम राजा जो होता है, बादशाह जो होता है, सब प्रजा का पिता के समान होता है। तो हिंदुओं को तुम जबरदस्ती डंडे से व्यवहार करते हो, गोश्त खिलाते हो, मुसलमानों से कितना प्यार करते हो, तो वो भी तो तुम्हारी प्रजा है, इस वास्ते उनको भी उसी तरह से प्यार करो। तब समझाओ तीन को, और फिर समझाओ ने, और फिर ध्यान के साथ स्वामी जी कहते हैं किसको समझाओ, औरंगजेब को, कि तुम इस तरह से जो है मत व्यवहार करो, हिंदुओं पर जुल्म मत ढाओ। और बहुत कह के, और स्वामी जी कहते हैं ज्यादा भी आपको क्या कहूं, या ज्यादा भी कभी औरंगजेब को नहीं कहना, रुचुता रुचुता जितना वो सुने सहन करे उतना समझाना। मत ना जानो तुम, और अधिक बता कहने से भी कुछ नहीं होता, थोड़ा थोड़ा कहियो, थोड़ा थोड़ा कहते रहना, फिर लिख कर भेजे हम, और फिर अगर और कोई जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको लिख कर के भेजता रहूंगा। स्वामी जी कह रहे हैं पर एक बात बड़ी, एक बात बहुत ही अच्छी होगी कि तुम्हारे ऊपर उनका विश्वास हो गया है कि ये इमाम मंदी प्राणा जी के आदमी है। अपना भी वेश रख के, और अब देखिए कि पहले तो काम करना था इसलिए मुसलमानों की पोशाक पहनी थी, लेकिन ये ना समझ लेना हमें तन राज्य महाराज ने हिंदू का दिया है, उस हिंदुत्व को जो है हमने अवश्य कायम रखना है। और हिंदू के भेष से, और हिंदू के भेष से कोई नहीं है काम, क्योंकि ये क्यों भेष बदला, क्योंकि हिंदुओं के भेष से 8 महीने तक धक्के खाते रहे तो औरंगजेब तक पहुंच नहीं सके, इसलिए भेष बदला है, ना कि हमने को अपना धर्म बदल के रख दिया था। क्योंकि इस भेष के साथ उसके दरबार में जाया नहीं जा सकता था, प्रतीत न करे इस्लाम, और कभी भी वो यकीन भी ना करता हमारे ऊपर, और ना जब यकीन ही ना आता तो फिर बात कैसे सुनता, ना मजलिस बैठे, और कभी हमारी चर्चा में बैठता ही नहीं, तो होने का नहीं। स्वामी जी कहते हो तो कभी भी नहीं होगा कि तुम हिंदुओं के भेष में जाओ और मुसलमान तुम्हारी यकीन बात पर विश्वास करे, कभी नहीं। और अगर उन जैसा रूप बना के जाओ, जाते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह दो, समझ जाएंगे ये भी मुसलमान भाई है। इस वास्ते तुम इनके सेवक बन के, जैसे देखो बार बार कितनी अच्छी है कि आज हम उनके हुक्म पर चल रहे, कि जब चर्चा सुनाओ किसी को भी तो अपने को बड़ा बड़ा ना समझो, जैसे सब सुंदर साथ होते हैं।
सेवा करने वाले होते हैं, उस भाव से वहां रहना। एक मित्रपना करो इनो से, और इनसे क्या मित्रपना करो, तब ये पहचानोगे हक, तब ये पहचानेगा हक, तब जो है उसको राजीव राय के संसार में आने की, प्राणादि के सुख की पहचान होगी। तुम होवेगे मुरीदा उनके, तुम होगे, हाँ यदि तुम उनके मुरीद बन के बैठोगे तब सब काम, तब सब काम होंगे। सुंदर साहब जी, यदि तुम चर्चा सुनाते समय सेवा भाव लेके जाओगे, सब जगह तुम्हारे काम हो जाएंगे। अगर तुम अहंताचारी ग्रंथाचारी बन के जाओगे, कुछ तुम्हारे हाथ से आत्म जागृत होनी ही नहीं है। पर ये आस्ते आस्ते हो वही, पर ये काम तुम्हें उतावल है, जल्दी क्यों नहीं जागृति हो जाती। कहते कंठी बांधने वाला काम नहीं है ये, कि कंठी आपकी दे दी और गुरु जी बन के बैठ गए। किसी की आत्मा को जगाना ये काम धीरे धीरे होता है। एक बार चर्चा सुनता है वो, दो बार सुनता है, फिर शमसे होते हैं, फिर उसके हृदय के शक जाते हैं, तब कहीं वो तैयार होता है। ये काम ऐसा ऐसा होता है, जब ऐसी बात को कबूल करे मुख से, जब वो स्वीकार कर ले कि हाँ ये बिल्कुल जो कुछ आप कहते हो, कुरान के माफक कहते हो, मैं स्वीकार करता हूँ, तब फिर भी उनको जो है ये ना सोचना हमारे सेवक बन गए, प्यार से ही बात करना, बेले रहियो इनमें, और क्या कहते हैं, इनको छोड़ना नहीं, इनके अंदर ही मिल करके रहो। तुम हिंदुओं के भेष, और अब दूसरी तरफ, और हिंदुओं के भेष से कभी भी डरना नहीं, जिन करो शर्म, शर्म मत करना कि हिंदू क्या कहेंगे, हमने पोशाक ही तो बदल लिया, हमने को धर्म थोड़ा छोड़ दिया है। पहले ही तुम सिर बना शर्म का, आज स्वामी जी कहते हैं पहले ही तुमने तो शर्म को उतार करके खूंटी बता दिया, सिर तोड़ दिया, फिर तुम्हें किस बात का डर है। हम शरीर से कपड़ों से हिंदू है या मुसलमान है, आत्मा एक है। कोई तुमको मिले, और अगर कोई हिंदू मिले कहने जा रहे जा, तुम्हारा क्या धर्म है, तुम तो मुसलमान हो गए, कहने उन्हें कहना अच्छा हम मुसलमान है ना, और तुम हिंदू आकर पहले हमारे से तू बात कर, और डट के जवाब देना, अरे तुम हिंदू बने फिर तुम्हें पता ही नहीं है हिंदू धर्म कहते किसको है। तुम तो आग पानी पत्थरों को पूजने वाले हो, क्या हिंदू धर्म में ये लिखा है कि आग पानी पत्थरों को पूजो, पकड़ लेना उसे के बैठ, पहले हमारे प्रश्नों का उत्तर दे, तू हिंदू कहां से है, देखो सब शास्त्रों को, कहना आ जा पहले सारे शास्त्रों को देखो, गीता को देखो, आदित्य पुराण को देखो, भागवत को देखो, और तुम्हें सब कुछ पता है। उन्हें पूछो कि गीता क्या कहती है, कौन परमात्मा है, उत्तम पुरुष परमात्मा है, क्या तुम उत्तम पुरुष को मानते हो, जब मानते ही नहीं हो तो फिर तुम हिंदू कैसे हो। भागवत खोलो, भागवत में क्या लिखा है कि परमात्मा अक्षरातीत है, और तुम अक्षरातीत को जानते नहीं, तुम तो आग पानी पत्थर की पूजा गंगा की करते फिर तो, तुम्हें क्या पता हिंदू धर्म क्या है। तो मत समन की, और सबकी मता तो लोन सो ग्रंथों से उनको बताओ, सलाम। और कहते हैं ज्यादा बने फिरते हो, तुम्हारे बड़े से बड़ा भगवान आदि ने क्या कहते हैं, परमात्मा निराकार है, नेति नेति है, और रसूल साहब ने आके कहा कि मैं खुदा से मिल के आया हूँ, मैंने उनकी अमृत सूरत देखी है, और उनके माहौल बगीचे जो ये देखा है, फिर देखो क्या है, तुम्हारा नारायण आगे तक की बात नहीं करता है, बस ये सनंद उठा के उन्हें बताओ, नबी नारायण की, नबी और नारायण की सनंद बताओ उनको, तब होंगे शर्मिंदे, तब शर्मिंदे हो जाएंगे। तुम करो चर्चा, स्वामी जी कहते हैं डरो नहीं, हिंदू आए तो हिंदुओं की और मुस्लिम मुस्लिम की, तुम्हें सब दुनिया का जो है साथ तुम्हारे मुट्ठी में है वो तारतम के द्वारा, ये तो सब में रसम है। स्वामी जी कहते हैं ये सब हिंदू मुसलमानों में आपस में रस्म है, रीतियां हमारे वडला करते थे, इसी में मर जाएंगे हिंदू खोड़े होकर, वो इसको छोड़ ही नहीं सकेंगे, और उधर मुसलमान अपनी रीति रिवाजों में मरा हुआ, देह की रीति रिवाज है, आत्मा की नहीं होती, लड़त है अहंकार, और उससे अहंकार उनका गुमान लड़ता है, जब फुरमान के मायने, और जब फुरमान के कुरान के मायने खोल के रखोगे,
जाहिर खोले परवरदिगार। कौन? कुरान में लिखा हुआ है कि जब इन बातों के मायने जो खोलेगा वही खुद खुदा होगा। तब सब शर्मिंदे होएंगे। तब सब शर्मिंदे होएंगे। कहे न कामों को गुमान। किसी का है गुमान है का रहने वाला ही नहीं है। जो बसवसा छाती पर। अब उनके हृदय में जो बसवसा अहंकार अभिमान गुमान रहता है, करत है शैतान। ये शैतान का काम है, दज्जाल अंदर बैठ करके गुमान अहंकार देता है। पकड़ बैठे अंधेर को। वो अंधेर को ही पकड़ के बैठे रहेंगे, उसकी आत्म जागृत कहाँ से होगी। और बढ़ता गुमान और उससे उनका अहंकार बढ़ता जाता है। स्वामी जी कहते हैं जब इस तरह से तुम सबको वाणी से समझाओगे सब शर्मिंदे हो जाएंगे। और मारेगा शैतान। और शैतान भी मरेगा। तब सिर नीचा करके। ध्यान देना स्वामी जी कहते हैं आज तो बड़े हिंदू अकड़ पकड़ रहे हैं ना, अंत समय जब स्वामी जी की सब वाणी रोशनी जाहिर हो जाएगी तो भेड़े चलती ना भेड़ वो मुंह ऊपर करके नहीं चलते। जब शाम को आता है ना तो क्या होता है सिर नीचे और एक दूसरे के सिर में सिर छुपा के पीछ में चलते हैं और फिर क्या करते हैं भैं चलो। अब सब जमा होते हैं। अब सब इकट्ठे हो जाएंगे तुम देखते चलो जरा। परिणति ग्रही सब बांध। पर इन्होंने सारा कुछ उल्टा ही पकड़ रखा है हिंदुओं ने भी और मुसलमानों ने भी। दरवाजा इस्लाम का और जो दरवाजा परम धाम का है कुंजी गंज खुदाई उसकी चाबी क्या है तारतम ज्ञान वो तो तुम्हारे हाथ में तो फिर ये जाएंगे कहाँ। जब उस महर्षि अजीम का रास्ता की चाबी आके आपको तारतम ज्ञान दिया है तो हक के महर कर। और ये तपस्या से नहीं मिलती ये भक्ति से नहीं मिलती ये दान पुण्य से योग साधना से कुछ नहीं मिलता। ये श्री राजदीम राय ने मेहर करके आपको बख्शी है तुमको पहुँचाए तुम्हें ला करके दे दी है श्यामा जी के द्वारा। तुम सिर ऊंचो देखियो इस वास्ते तुम कभी किसी के सामने डरना मत। हमेशा राज्य की मेहर को लेकर के सिर ऊंचा करके चलना। जिन नीचा देखो तुम के नीचा नहीं अपने आप को देखो कभी भी। जो तुम पर एक दोष बदले एक दोष के बदले तो दावा लेते कुम। किस दोष का बदला के भी हिंदू होके कपड़े तो बदले और तो कोई बात नहीं तो उनको कहो तुमने क्या कर रखा है। ये जो तुमने जनेऊ पहन रखे हैं टीके लगा रखे हैं मोती रख रखी है शरीर वाली जो है आत्म का ज्ञान बताओ। गोविंद बेड़ा तुम जानत स्वामी कहते हैं कि ये सारा संसार गोविंद बेड़ा है आपको बलना चले लगे इसलिए उनका सत्य के सामने बल कभी नहीं चल सकता। एक पांच वर्ष को बाल स्वामी कहते हैं फिर इनकी शक्ति क्या है। ध्रुव और प्रहलाद कितने वर्ष के थे 5 वर्ष के और क्या क्या उन पर जुल्म नहीं ढाया अग्नि के थम्भों के साथ इन्होंने लगाया और फिर अग्नि भी मैं भी बैठ के जलाया लेकिन उसका बाल भी बीका कर नहीं सके ये तो इनके औकात है। तुम साथी शिरोमणि और तुम साथी शिरोमणि हो राज्य महाराज के अंग हो तुम्हारा ये बिगाड़ कह सकते हैं। एक दूसरे से सिरदार और एक दूसरे से सरदार हो गोविंद बेड़ा तुम क्या इस वास्ते ये माया वाले तुम्हारा बिगाड़ ही कह सकते हैं। हक्के पहले किए खबरदार राजी महाराज ने पहले हर प्रकार से आपको चुस्त निपुण कर दिया है। अब तुम तो जने बार हो स्वामी जी कहते हैं ये ना सोचना अरे यार दुनिया की संख्या तो बहुत घनी है और हमारे तो थोड़े से कभी चिंता मत करो अभी गिनती के 12 हो ना 12 के 12,000 आप में आकर के मिलेंगे। और बाकी तुम और जो डर गए हैं इस समय मौत से कि भाई ले मर गए अब तो औरंगजेब के दरबार में जाना पड़ेगा कहेंगे वो भी कहीं नहीं जाएंगे कहाँ जाएंगे वो जब तुम इस काम कर को आ जाओगे तो वो भी भाग भाग के फिर तुम्हारे पास आ जाएंगे। और भी आम मिलेंगे चिंता मत करो सब एक हो तुम और फिर शोभा किसकी जो कुर्बानी कर रहे हैं उन्हीं की शोभा होनी जो भाग के चले गए स्वामी जी को छोड़ के उनकी क्या शोभा होनी है। अब तो तुम 12 हो सर सुंदर साथ जो है तुम्हारी रहे को देख करके आके चलेंगे और ताबे तुम्हारे होएंगे और सब बाकी तुम्हारे ताबे होके रहेंगे बोल भी नहीं सकेंगे तुम्हारे सामने तुम हो सरदार इस वास्ते क्योंकि तुम सरदार हो। कौन जो कुर्बानी करता है
शोभा राज जी महाराज देते हैं। तुम अपने सुखन को इस वास्ते तुम अपने वचनों को वाणी को अब जाहिर करो, तुम जाहिर करो वाणी को, छुपाने वाली वस्तु नहीं है ये, जाहिर कर दो सारे संसार के अंदर, ताकि वक्त आखिर को कोई ये ना कहे कि प्राणनाथ जी और उनके साथी आए थे पर हमको किसी ने बताया नहीं। इतना काम तुम्हारा है, बाकी कोई स्वीकारे या ना स्वीकारे है तुम्हारा काम नहीं। सबको बता दो कि प्राणनाथ कौन है और वो आ चुके हैं गाम गाम देश देश, और फिर ये चर्चा ये पहचान गांव गांव देश देश, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान भागे चले आएंगे, कदम तुम्हारे बंद ही और तुम्हारे ही चरणों में आके झुकेंगे, करके पहचान करके पहचान, पहचान के बिना कौन किसी के सामने झुकता है। अब तुम तुम्हारी नजर को इस वास्ते अब अपनी नजर को जिन करो तुम और ना इधर उधर नजर करने का मतलब कभी भी अपने ईमान से गिरना नहीं, जो कभी तुम्हें दिल में और कभी तुम्हारे दिल के अंदर आवे नहीं है ठोर, ये जगह मेरी जगह पसंद ना आती हो कि भाई हाँ स्वामी जी ने हमें तो भेज दिया है और खुद जाके वहाँ बैठ गए, तो बोलो मैं वहाँ भी आ जाऊंगा, मैं तो डर के नहीं बैठा हुआ हूँ, तो हम और ठोर जाएंगे। फिर स्वामी जी कहते हैं अब राज जी महाराज मेरे दिल में बार बार ये कहते हैं कि मैं राज ठाकुर तू पड़ा पड़ा क्या कर रहा है और जगह जा, कहते हैं अगर तुम कहो तो मैं बाहर चला जाता हूँ, क्यों वाणी से तो ये गए मान, बाकी इनको जो राज का गुमान है तो मैं किसी और जगह जाके हिंदू राजा को चक्कर सुना के खड़ा करता हूँ, वो फिर आके तलवार का जवाब तलवार से होता है और बात का जवाब बात से होता है, वो जब हिंदू राजा कोई मेरी पहचान करके यकीन लाएगा वो इसका सिर नीचा करेगा, फिर मोर्चा इसके ऊपर आके ढाएगा, वो लड़ाई करेगा और लड़ाई करेगा, वो तलवार की लड़ाई होगी और फिर इसका जो है दजाल नाम तोड़ देगा, फिर आवे दूसरी बेर, फिर जब हम दूसरी बेर आएंगे ये विचार तब करेगा जो तुम उल्टे होके चलोगे, जैसे कोई मुसलमान अगर कोई मुसलमान सब चरण बंदे होए, सब जो है चरण बंदेगे आप करके जब उनको कुरान से समझाओगे तुमको सबको ही धन धन, और फिर जब सबको पहचान हो जाएगी तो किसको धन धन करें कि वाकई भी मोहम्मद जो तुमने कुर्बानी कर दिखाई है हम उसके बराबरी कर ही नहीं सकते हैं, सारा संसार जो है तुम्हारा धन्यवाद करेगा चरण वंदना करेगा, जो वाणी सबका देखेंगे क्या देखेंगे कपड़े नहीं देखेंगे भगवे पहले अंदाड़ी प्यारे, जब तुम्हारी वाणी और इश्क कुर्बानी को देखेंगे सब तुम्हारे चरणों में आ गिरेंगे, सब कहेंगे भाई हम तो माया में डूबे रहे वाकई आप ही उस अक्षातीत की हुक्म पर चल रहे थे, जो दोष तुम्हारा देख रही और ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा दोष क्या है कपड़े ही तो बदले हैं और तो कोई बुरा काम नहीं किया, तुम्हारे बिना मरे और वो मारे बिना ही मरेंगे, जो तुम्हारी बात को और तुम्हारी इस वाणी को बात को सुल्तान चित सो ना धरे, और ध्यान दो सुल्तान ने चित से क्यों नहीं डरा क्योंकि काजियों ने डरा दिया कि ये किसी राजा ने भेजे हैं मारने के वास्ते, सो भी इस वास्ते सुल्तान कान इसलिए नहीं सुना उसने कान से बैठ के कि मैं एकांत में बैठ जाऊं मैं अकेला हूं और ये बारह जने तो मार ना डाले, ये बात उसके दिल में डर गई इसलिए वो तुम्हारी चर्चा रूबरू बैठ के नहीं सुनने, तो पहले तो उसने स्वीकार कर लिया था कि मैं चर्चा एकांत में बैठ के अवश्य सुनूंगा, एक ऊपर की संसारिक शरीर का नजर होती है दूसरी बातों ने की ना पहचान, दूसरी बात उसको अभी वाणी की बात में पहचान ही नहीं हुई थी और इनके दिल में हुआ है चौकस हो गया डर लग गया कि कहीं मुझे मार ही न डाले, जो हम पर दगा करने के अगर ये दगा करने वाकई क्योंकि काजियों ने कह दिया कि ये किसी हिंदू राजा ने तुम्हें मारने के लिए भेज दिया और ये दगा कर बैठे तो मैं मर जाऊंगा, आए मेटर में राजा और मुझे मारने के लिए आए हैं, और तीसरा ये और तीसरा क्या है जो जाहिर हुआ ध्यान दो, तीसरा उसके दिल में काजियों ने क्या डर दिया
कि अगर इमाम मेहंदी जाहिर हो गए तो औरंगजेब राजपाट छोड़ के उनके चरणों में चला जाएगा और फिर मुसलमानों का राज और हमारी कुर्सी, ये धुरदर्गा से ही जो है लगा हुआ है। मर रहे खा रहे लेकिन कुर्सी मिनिस्ट्री की नहीं छोड़नी। चलिए अब जब शरा और तुरन के जब उनकी मुसलमानों का राज भी न रहे और गद्दी भी छिन जाए तो ना पकड़े काम, इसलिए जो है उन्होंने तुम्हारी बात को सुना नहीं है। और बाहर के अर्थ में, और बाहर के अर्थ में कुरान में क्या लिखा है कि जब इमाम मेहंदी आएगा तो दज्जाल के साथ लड़ाई होगी और उनके जो मोमिन होंगे उनके हाथ में इतनी बड़ी लंबी तलवार होगी कि वो एक ही तलवार में 70,000 काफरों को मारेंगे। अब क्या मोमिन मारने के लिए तलवार कौन सी है? तातु ज्ञान की। और 70,000 काफर कौन है? जो हमारी नसें हैं अंदर, इंद्रियां, वही हमारे काफर है, वही हमारा रास्ता रोकते हैं। उनको सबसे पहले मोमिन मारेंगे, दुनिया नहीं मार सकी। मोमिन जो है इस्मानी के बल से जो लोग लाए मर्यादा इच्छा घर बार सब को छोड़ के चलेंगे राजी महाराज के चरणों में, और फिर क्या होगा? कोई तलवार से खून नहीं हो जाएगा कि इस वाणी के प्रताप से शायद कर्म कांड मिट जाएगा, कुछ नहीं, किसी की शक्ति चलेगी, हो जाएगा सब लोग जो हैं अपने अपने कर्म को छोड़ बैठेंगे, उनको सुद आ जाएगा कि वो कर्मा जैन धर्मा बॉडी नॉट हो सो। तब जब उनको आत्मा की पहचान होगी फिर कौन ठाकुरों की पूजा करने बैठेगा, कौन गंगा को जाके पूजेगा, कौन खिजड़े वृक्ष को जाकर के मत्थे टेकेगा। और कहने के चिंता ना करो, बड़े बड़े हाथियों के खोपड़े टूट जाएंगे, वो हाथी वो जंगल वाले नहीं, आचार्य महाराज गादीपति अहंकार ये सब के खोपड़ियां उठ जाएगी। क्या मतलब? अहंकार टूट जाएगा। ये कहते हैं ये युद्ध होगा, चिंता मत करो, तुम सब महाराजों के जो धीरे धीरे ठंडे होते चले जाएंगे, ना खाना पानी रहेगा। और ऐसा वक्त भी आएगा कि संसार में ना ईमान रहेगा, दाना पानी का मतलब नहीं कि गांव खत्म हो जाएगा, ईमान नहीं रहेगा लोगों का, कोई सेवा भाव नहीं रहेगा, बिल्कुल धर्म से सब लोग अधर्म हो जाएंगे, ना कुछ रहेगा और ना किसी को कोई परमात्मा की याद ही आएगी। इस वास्ते ये ऊपर की बातें, ये लोग हिंदू हैं या मुसलमान हैं, ये ऊपर के ही भाव को देखते हैं, जानत नहीं खास और जानते नहीं है। और जो क्यामत की, और जो इनको क्यामत का डर लग रहा है, क्योंकि क्या कह रहे थे, अगर क्यामत जाहिर हो जाएगी तो हम सब मर जाएंगे, वो क्यामत का अर्थ ही उल्टा लिए बैठे हैं। स्वामी जी कहते हैं, उर्दू तो शायद आप लोग कोई भाई साहब जानते हो बड़े, कयाम मत, कयाम का मतलब होता है ठहराओ, मत मैंने ज्ञान, ऐसा इमाम मेहंदी ज्ञान लाएंगे कि जो सुन लेगा और क्षति के साथ संबंध जोड़ लेगा वो आवागमन के चक्कर से छूट करके अखंड, ये क्यामत का जाहिर होना है। बड़ी जानी और इनको बहुत डर लगा हुआ है, कब क्यामत आ जाएगी हम मान जाएंगे। करामात मेरे स्वरूप पर, और स्वामी जी कहते हैं मुझे दुनिया पहचान नहीं पाएगी, मैंने अपने वजूद के ऊपर करामात टूणा कर लिया है, क्या हूं मैं अक्षरा तीत, एक मनुष्य तन में आके बैठूंगा, मुझे आदमी देखे और जो देखने वाले देखेंगे वो तो मुझे एक आदमी की तरह से ही तो दुनिया में देखेंगे, और इसलिए जैसे दूसरे एक आदमियों के अवगुण निकालते हैं मेरे भी अवगुण निकाला करेंगे, जैसे और आदमी है मुझे भी वैसा ही समझेंगे। तो क्यों करावे ईमान, तो फिर उनको एक वजूद को देख करके तो ईमान कभी आ नहीं सकता, इसलिए उनका संशय कैसे मिटे? जब तुम्हारे सुकना, और जब तुम्हारी वाणी को कोई सुनेगा, अब फिर करो पुकार, फिर पुकार करो, मेरी वाणी को तुम जाहिर करते चले जाओ, तुमको इसी वास्ते, तुमको इसी वास्ते ये वाहिर खबर,
दार हर तरह से जो है मैंने तुमको चौकस कर दिया है। अब तुम छिपे ना रहो। और स्वामी जी कहते हैं अब तुम छिपे नहीं रहोगे। जैसे सूर्य सुबह निकलता है पहले उषा काल होती है, आगे आगे बढ़ता चला जाता है, दुनिया को बिल्कुल पता चल जाएगा शास्त्रों के हिसाब से कि वो ब्रह्म मुनि और अक्षय कलयुग में आ गए हैं। बड़े उम्राव होवे आदीन। और बड़े उम्राव, बड़े बड़े जो महाराज हैं और बड़े बड़े गादीपति हैं, जब ये चर्चा सुनेंगे वो उल्टा तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। और तुम सो तालीम लेंगे। और ये जो मुसलमान बने फिरते ना काजी फकीर वगैरह, सब तुम्हारे से बैठ के कुरान की तालीम लेंगे। जिन चिंता करो, इसलिए स्वामी जी कहते चिंता नहीं करो, जरा देखो सही हौसला रखो। और कहो न जिन करो तब तुम ईमान न छोड़। और नजर करने का मतलब क्या है? यकीन ना छोड़ना, ईमान ना छोड़ जाना। ना बैठक की जो बंद। और बैठक ना बंद करना, दरवाजा खोल देना। तुम्हारी पैरो भाई बैठक ना करना बंद का मतलब ये रूम नहीं, रूम ना डोर नहीं, ये बैठ के सुंदर साथ में बैठकर बराबर चर्चा सत्संग चालू रखना। अगर चर्चा नहीं किया करोगे तो हृदय में माया बैठ और मिलकर चर्चा करते रहोगे, सत्संग करते रहोगे तो हमेशा तुम्हारा ईमान पक्का खड़ा रहेगा। तुम्हारी बात छिपी ना रहे। और तुम्हारी ये वाणी जो बात है परम धाम की वो छिपी नहीं रहने वाली है, चिंता मत करो। बड़े ठौर मिले हुए अंध। और ये जो बड़े ठौर है ना गादीपति, ये सारे मिलके अंधे हो गए, अभिमान आ गए इनको, अहंकार आया हुआ है। जैसे काम पर गए हो। और स्वामी जी कहते हैं जिस काम पर गए हो ना इतना बल रखना, कभी भी इससे पीछे नहीं हटना। ना तो शक आएगा इनको, नहीं तो मुसलमानों को शक आ जाएगा। वही रखियो कल। उसी तरह से जैसे तुम जम्मा मस्जिद गए थे किस जोश से, कैसे किस सीमांत तक गए थे, और अब भी जाके ढीले मत हो जाना। उसी तरह से यकीन विश्वास ले करके चलते रहना। मैं तुम्हारे सिर पर। अब कहां कहां तक समझाया, इस वाणी को ढांपने वाला हमारा शत्रु है, उसकी पूजा नहीं करो। जो प्राणनाथ को मारते हैं हर साल, क्या कहने, मैं सदा तुम्हारे सिर के ऊपर जो है एक टांग पे खड़ा होके पहरा देता रहूंगा मोमनो अक्षा तीत राज्य जा रहे। और हमें क्या कह जाता है, प्राणनाथ जी धाम चली गई है, उनके जाओ चरणों में मरो, जागो इस वाणी से मैंने नहीं लिखी है। प्राणनाथ जी कह रहे मोमनो मैं सदा तुम्हारे सिर पर जो है एक टांग पर खड़े होके तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। किसी की ताकत है तुम्हारी तरफ नजर भी उठा के देख ले। और दिशा हिंदू की। और ये ध्यान में रखना, अगर राज्य ने हमको हिंदुओं का तम दिया है, हमने सदा हिंदुत्व को कायम कर रखना है, नीचे राखियो बनाए, अच्छी तरह से हिंदुत्व में रहना। ये नहीं कि अभी मुसलमानों से डर के हमको मुसलमान हो जाएंगे। जो तुम्हारे बल सो। और अगर तुम्हारे बल से मेरा जोरा हो, अगर तुम्हारा इतना वो हो जाए और तुम कहो कि स्वामी जी आ जाओ तो ये मत सोचो मैं आऊंगा नहीं। तुमने लालदास कहा था कि वहाँ एकांत आके बैठ जाओ, मैं वहाँ भी आ जाऊंगा तुम्हारे बीच में। और बल मेरे से। और मेरे बल से ये तुमको माने सोए। और अगर ये मेरे बल से ये तुम जानोगे स्वामी जी आ जाओ तो ये चरणों में झुक जाएगा, तो फौरन कहना मैं आ भी जाऊंगा। तब भला होएगा। तुम जिन हो दिलगीर। स्वामी जी कहते हैं तुम उदास ना हो, किसी प्रकार के हौसला मत छोड़ना। जो मोर्चा तुम लिया। और जो मोर्चा तुमने लिया है और तोड़ दिया है, राम भगवान नहीं कर सका, कृष्ण नहीं कर सका, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कर सके, कोई अंबे की जगदम्बे कोई कर नहीं सका, रणछोड़ भगवान नहीं कर सका जो तुमने करके बताया। हिंदू मुसलमान को एक अक्षातीत की राह दिखाई है और लोक लाज मर्यादा छोड़ करके किया है, ये संसार में आए दिन तक कोई कर नहीं सका। तो हक्के दिया कर दीर। देखा, ये तुमने नहीं किया, किसने दिया है, राज्य मराय ने तुम्हारे ऊपर कृपा की और उन्होंने तुम्हारे से करवा के शोभा दी है।
जरा तुम मन में इस वास्ते मन के अंदर कभी संकोच ये करो, हाय मामा सु कैसे, काका सु कैसे, उनको उठा के खूंटी में बांध दो, तब तो राज्य की राह पे चल सकोगे। अगर वंडलों नी रीति नी आ करते रहोगे तो मुर्दार दुनिया में मरते जन्मते रहना। ये लड़ाई है वचनों की, ये लड़ाई है वचनों की, वाणी की लड़ाई है। कोई हम संसार से लड़ने के लिए थोड़ा है, और इस वाणी के ही द्वारा झूठ का नाश होगा और सत्य जाहिर होगा। तो करनी ले आकीन, और वो लड़ाई किससे होगी, यकीन से। वो कोई तलवार लड़ाई से नहीं होनी है, यकीन जितना तुम्हारे अंदर होगा वही तुम्हारी शक्ति होगी। अब अवस्था प्रकाशित, अब वाणी जाहिर करो अपने बल से। हमारा बल क्या है, यकीन, ईमान, विश्वास। उतना ही जो है वो वाणी का प्रचार आदमी कर सकेगा जिसका जो यकीन पक्का होगा, ईमान पक्का होगा। पर ये बात जो, और ये जो बात ना होए सीता भी से। जल्दी से सभी कहते हैं तुम चाहो जल्दी हो जाए, भला सदियों से जो आग पानी पत्थर और बड़कों की लाइनों को पूज रहा है एकदम कैसे छोड़ेगा, धीरे धीरे सब होता चला जाएगा। माया छल रूप है, माया तो छल का रूप है, छलनी से युक्ति से ही इसको जीत लो। सीधा चलोगे या मैं सीधा दौड़ के कोई ना निकसिया जीत, सीधा होकर नहीं चलोगे। जिस तरह वो करते हैं उसी तरह तुम व्यवहार करो और अपना काम सीधा करते चले जाओ। आगे भगवान के, और आगे भगवान के बल बहुत कहलाए, बली बल नहीं बली, आगे राम भगवान आए तो कितने कितने बली थे, लेकिन राम भगवान ने भी बाली को मारा तो ताड़ की पेड़ में छुप करके ही मारा था। कहते हैं भगवान को भी ये माया जीत लेती है तो भगवान भी बड़ी चलाकी के साथ माया को जीतते हैं। तुम भी इसी युक्ति के साथ काम करना तो भी असुरन सो, तब जाके कहीं असुरन से जीते हैं छल से, छल से ही जीते हैं। जितने भी भगवान आए अवतार लेकर के बड़ी युक्ति के साथ ही माया के छल कपट को मारा है उन्होंने। अब पढ़ते ही आप हरदिया हरजी व्यास पढ़ो तो सीधे बात आ जाए ध्यान के साथ। स्वामी जी कहते हैं हरजी व्यास से मैंने युद्ध किया था जूनागढ़ में, तो वो व्याकरण आचार्य दिग्विजय था, तो मैं जी जी करता रहा, नीचे बैठता था। 2 महीने तक मैं जी 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 करता रहा, जहां अक्षर से भरे उसने अक्षर किया तब गर्दन उसकी पकड़ के ढेर मारा नीचे, बताओ वो अक्षर का स्थान कहाँ है। तब फिर उसने पकड़े मेरे कदम, कदम पे गिर पड़ा, हे भगत हे भक्तराज मुझे रास्ता दिखाओ। वही हरदी व्यास चरणों में आ गिरा था, लेकिन 2 महीने में जी जी करता रहा उसको। इस वास्ते तुम बार हो, और स्वामी जी कहते मैं तो अकेला था और तुम 12 जने हो। सब सरे सौंपया तुम, और शरे का शरीयत का काम तुम्हें सौंपा है। जैसा बाजा बजे, और क्या करना, जैसा बाजा बजे ना वैसे ही नृत्य करना। पर बड़ी ये बात है, और ये बड़ी बात है, हिल मिल एक रस होना, सबको हिल मिल एक रस एक रूप कर देना है, एक धनी पर विश्वास लाना है। पीछे तुमको सब, और पीछे सारी दुनिया तुम्हारे चरणों में आकर के गिरेगी, आप ही खुल जाए सब जो है, तुम्हें बातें खुलती चली जाएगी, आस्ते आस्ते होएगा। और ये काम ऐसा ऐसा होगा, ये ना जागनी जल्दी क्यों नहीं जाती, राजी ले क्यों नहीं जाते ना, ये काम धीरे धीरे होने वाला है। आप ही हक बताएं, और राज्य महाराज खुद करें, शोभा तुमको दे रहे हैं। कंठियां बांध देने से किसी की आत्मा नहीं जागृत होती। स्वामी जी कहते हैं आत्मा कब जागृत होती है, जब उसके मन के संशय तो मिटा डालोगे, और वो धीरे धीरे ही तो मिटते हैं। पहले ये सूचित कर, सुनने बैठे जब, इतना ही बहुत अच्छा करो कि पहले वो तुम्हारी बात सुनने के लिए बैठ जाए। तो उनके हृदय, फिर धीरे धीरे जब तुम पहले उनकी बात तो सुनोगे तो फिर वो तुम्हारी बात को भी सुनेगा, तो जब वो कोई तुम्हारी बात सुनेगा तो उसके हृदय के शक संदेह मलिनता सब हट जाएगी। तब उन्हें दया उपजे, फिर उनके औरंगजेब के दिल में भी दया होगी, भाई ये तो हमारी भलाई के लिए आए हैं।
जब वह गायर होए और जब तुम जाहिर करोगे तब चित दे नो ना सुने। आप उस वक्त चित दे के क्यों नहीं सुना, उनसे डर लग गया कि मुझे मार में आए हैं और तुम पर अनेक आवेश और अनेक और भी बातें लोग दुनिया कहेगी, पर डरना नहीं तुम किसी से। इनको तुम वचन कहो और इनको जब भी वचन कहो तब मिट जाए अंतर, तब इनका अंतर मिटेगा। जब इनको वाणी चर्चा सुनाओगे तब हृदय के अंदर जो द्वैत भाव है और वो सब मिटेगा। जा कहो वे प्रकाश। और अब स्वामी जी क्या कहते हैं, जिस सुंदर साथ पर राज्य मराई की मेहर हो और वाणी खुले वो सब जगह जाके प्रचार करे तो आपे ही जग जाए। और फिर जिसको वाणी की समझ आती चले जाएगी, आत्म उसकी जागृत हो जाएगी। तुम आक लेना हो और जल्दबाजी में आके उलझ ना जाना, किसी से लड़ ना बैठना। सब काम दुरस्ती से हो, सब काम राज्य की तरफ से जो होता है, आकले काम शैतान के और ठंडे हक से बड़े आराम से जो पर काम करते जाओ, बैठना बंद करो, सब काम हो जाएगा। भाई बदल कान जी, कौन कहते हैं शेख बदल और कांजी भाई आते हैं ना, मैं कई बार मैं भी चिट्ठी लिख सकूंगा, संदेशा ही भेजूंगा, उन पर शक ना लाना। भेजे है तुम पास, तुम्हारे पास भेजा है, तुम प्रयाण पक्का कीजिए। अब क्या प्रयाण कि मैं बाहर निकलना चाहता हूं, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारी आज्ञा से जाऊंगा। हाय हाय, ये मैं तुम्हारी आज्ञा के बिना नहीं जाना चाहता, चिट्ठी भेज रहा हूं। तो ये ना सोचना अरे भाई स्वामी जी ने चिट्ठी लिखी है क्या करें, करना सब जने बैठो मिलकर के विचार करो, यदि तुम्हारी सर्वसम्मति से एक राय हो जाए तो फिर मैं जाऊंगा। कांजी पास रखियो, फिर तुम कांजी को रखना, मेरे पास शेख बदल आएगा, जब शेख बदल उतर जाएगा तो कांजी को मेरे पास भेज देना, जो होए तुम्हारी आज्ञा और होए तुम्हारी आज्ञा। यह है सुंदर साहब जी, जो राज्य के ऊपर ईमान लेकर के चलते हैं यक्का, राज्य कहते तू जैसा कहना मैं वैसा करूंगा, तेरा कहना तो हम पड़े बाहर, तब मैं हम बाहर जाएंगे जो सकड़ाई में रखूंगे। और अगर दिल को सकड़ाई रखोगे भी अब क्या लिखें, स्वामी जी ने कह दिया है लिखें के ना लिखें, ऐसा ना करना। अगर तुम्हारा दिल नहीं साक्षी दे सबका, मैं बैठा हूँ यहाँ पर तो मैं जाहिर हो जाऊंगा, पर हम उलझे रहेंगे। और जब तक तुम नहीं कहोगे तो मैं तो उलझन में पड़ा रहूंगा। उपराला तुम्हें ना सके पर किसी प्रकार की भी मैं जाहिरी मदद तुम्हारी नहीं कर सकता हूँ, अपना ना पाल सके। ध्यान दो, और स्वामी जी कहते एक तो मैं तुम्हारी जाहिरी मदद नहीं कर सकता, दूसरा मैंने कभी रोटी नहीं हुई लोट नहीं बांधा, कभी रोटी बनाता हूँ हाथ जल जाता है, कभी कच्चा रह जाता है, मैं अपना भी नहीं पाल रहा सकता। तब काम होवे जो कर, फिर बताओ किस तरह से काम होगा, बैठे बैठे तो जागने का काम हो नहीं जाएगा। जो तुम ये मोर्चा और जो तुमने ये काम करके दिखाया है, सिर कुर्बानी दे करके जो है तुमने ढाया है, फतेह कर दी है, सख्त दिल करके, सख्त दिल करके देखा जाएगा, या काम करके आएंगे और या मर जाएंगे भले देखी जाएगी। तुमने पसारा किया, तुमने जो आज जाहिर कर दिया है कि इमाम ने दिया गए हैं जैसे चित्त तुम्हारे, और लेकिन फिर क्या कहते हैं कि जिस चित्त के साथ तुम गए थे उसमें कभी भी जो है गड़बड़ न होने देना, ईमान नहीं गिरने देना। मैं जब गए थे, जब मस्जिद में गए थे, फिर उसी चित से, उसी ईमान से, उसी जोश से जो है काम करते रहना। करो अब भी जो है उसी तरह से जाहिर हो जाओ और मोर्चे की तलाश। और अब ध्यान दो कि इसने स्वीकार तो कर लिया है, लेकिन मैं वो डर दिखाता है तलवार का, तो मैं जाता हूँ एक और मोर्चा लगाऊंगा, क्या कि किसी हिंदू राजा को चर्चा सुना के खड़ा कर दूंगा। अब वो मुसलमान राजे के साथ राजे के ही टक्कर हो सकती है। और फकीरा मोहम्मद, वो फकीरा मोहम्मद और जो फकीर स्वामी जी हैं और उनके आवे कलाम, फिर उनकी सब वाणी तुम्हारे पास आएगी। पीछे से जैसी तुम लखो, और स्वामी जी कहते हैं जैसा तुम लिखो को पढ़ते हो, लखो लखो का अर्थ होता है पहचानना, लिखो का मतलब है लिख के भेजना,
तब जो फिर तुम जैसा उत्तर दोगे लिखकर के पत्र भेजोगे मैं वैसा ही करूंगा। इन ऊपर चले हमारा काम, तब उसी के अनुसार मैं चलूंगा। जो मैं ठहर वहाँ करो, और अगर मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ उससे काम सीधा होता हो तो मैं वहाँ भी आ सकता हूँ। तो तुम्हारा उपराला हो, अगर तुम समझो कि स्वामी जी यहाँ आ गए तो हमारी कोई मदद हो जाएगी तो मैं भी वहाँ आ जाऊंगा। तुम लिख के भेजो मैं क्या करूँ। तुमको कहने को हो, और यदि तुम्हें को कहने की बात हो, तुमको मिलने चाहे सोए, और अगर वो मिलना चाहे, जिस वास्ते हुई नायक, जिस वास्ते तुम्हारे ऊपर राजीव राय की मेहर हुई है, सोले आते थे तुम पे, और उन्हें कहना भाषा मुसलमानों तुम्हारे ऊपर तो अल्लाह की मेहर हुई थी और इसलिए हम आने लेकर के आए थे, पर तुमने पहचाना नहीं, पर तुम पीछे फिरे, पर तुम ही पीछे हट गए, इस्लाम पर खड़े और हम ईमान लेकर के यकीन लेके खड़े हुए हैं, और तुम भी इस्लाम पर, और उनको कहना कि भाई क्यों ईमान छोड़ते हो, अपने दीन पर मजहब पर खड़े रहो। ये तुम करो क्या, जरा दम से पड़ा करो, क्या 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 करने लग जाते हो, इतनी पाती जोरदार है तुम कहाँ कहाँ करते हो। और फिर स्वामी जी कहते डरना नहीं, ये तुम्हारा कर भी क्या सकता है, जो दिन रसूले फरमाया, स्वामी जी कहते हैं जो दिन जिस तरह से लिखा है वो काम उसी तरह से हो जाएगा। सो दिल पीछे देखा, और ध्यान दो, कई कहते हैं अरे अक्षरातीत थे तो फिर शाह कुमार की जालनी क्यों नहीं हुई, कहते हैं राज्य ने पहले ही लिखा है कि औरंगजेब सबसे आखिर में जाएगा। सो काम ढील बीच देखा, अभी इसको पहचान नहीं होनी, अभी इसकी आत्मा जागृत नहीं होनी है, तो इन्होंने अब इसीलिए अब इसने पीठ दी, तुम्हें पीठ दे दी, समय नहीं आया, पीछे भागेगा। और अब सब सुंदर सा जानते हैं, सत्य दर्शन में भी चिट्ठी छापी है जो औरंगजेब अपने धारा लड़के को कहते हो, दारा खुदा मेरे घर आया था और मैं उसकी पहचान नहीं कर सका, अब राजपाट छोड़ के मैं जंगलों में जा रहा हूं उनको ढूंढने के वास्ते। उस वक्त स्वामी जी ने पहले थे चिट्ठी लिखी कि अभी ये काम होने वाला नहीं, मैंने देखा है कुरान में इसकी जो है तुम सबसे बाद में जगेगी। अब होए रसूल का हुक्म, जब राज्य का जैसा हुक्म होगा वैसे ही तो काम होना है। और फिर लिखा भी है वेगे ने वेगे पे करण पढ़ो, सब साथ दौड़ मिल आसी मिने शाकुंडल शाह, लास्ट का सीन होना है। हम जाए पास होने, अब हम उनके पास जाते हैं, भी हक जुबान ने दिन को, और श्री राजी महाराज ने भी तुमको शोभा देने वाले है, और शोभा राज्य देने वाले, वही बैठ करके काम कराते हैं, शोभा राज्य महाराज देने वाले हैं, ये राज्य के हाथ है जिसको चाहे शोभा दे। हमको कहां खेत के, अब राज्य महाराज मुझे पता नहीं, फिर चिट्ठी आती है कि स्वामी जी आखिर प्रोग्राम का है, कहाँ जाना चाहते हो, कहने को मेरे हाथ में, मैंने कहाँ जाना, मेरे प्रोग्राम सब राज्य महाराज के, दिल्ली छोड़ के चलूंगा, जिधर कान कदम बढ़ा देंगे वहीं चला जाऊंगा, फिर जहां जाके बैठूंगा तुम्हें चिट्ठी लिख दूंगा कि भी मैं यहां आ गया हूं, और इनके यहां भेजेंगे इन फाद का तुम भी, और इस तरह से तुम भी जन्म का चाह किया, तुमने भी तो परम धाम में चाहा था कि सौ बेर आजमा के देखो तो भी ना भूले हम, तब दियो आजमाइश मरते क्यों, ईमान क्यों छोड़ते हो, ऐसा जान हम तुम पर, इस तरह से मैंने तुमको एक मता दिल लिया, ए दिल में लिया कि जरा मोमनों की भी तो परीक्षा ली जाए यहाँ पर, साची सोई हो वही, और साची तो वही बात होनी है जो राज्य महाराज के दिल में है, तुम लाख यत्न कर लो कुछ भी वही होगा जो राज्य चाहते हैं, जो हमारा शोर शराबा सुने, और अगर ये हमारी चर्चा पहले से सुन लेता तो आंख उनकी भी खुले, तो अभी तो उनकी आंख खुलेगी जब तुम्हारी कोई चर्चा सुनेगा, अगर चर्चा ही नहीं सुने तो फिर उसकी आत्म कैसे जागृत हो, और तुमको कहने को, और तुम्हारी उल्टा कहने की बात है कि भाई हम तुम्हारे घर गए थे तुमने यकीन नहीं किया, इस जगह पर इस वास्ते विचार के, इस वास्ते विचार करके चिट्ठी भेज रहा हूँ, तब लिखना कि मैं जाऊँ बाहर के ना जाऊँ, सीता पत्री लिखियो और जल्दी मेरे पत्र का उत्तर देना,
आज इस ठौर में और आज जिस जगह बैठ करके हमारा नहीं फिरने का दिन। ध्यान देना, स्वामी जी कहते हैं भी जल्दी ना कर के तुम कहो स्वामी जी तुम भी चल रहे हो तो हम भी चलते ना, अभी बैठे रहो, जब मैं मौका देखूंगा फिर आपको पत्र लिखूंगा तब दिल्ली छोड़ के आ जाना। पर क्या करें हक को, और ये मैं समझता हूँ जाहिरी रूप से कि भी मेरा यहाँ से अभी जाना ठीक नहीं है, पर कहते मैं करूंगा। राजी महाराज अंदर से कह रहे हैं उठ यहाँ से चल चल और जागनी का काम कर, वो मैंने बात आपको लिख दी है, और अगर तुम मानो तो मुझे उत्तर देना, और कहोगे रुके रहो स्वामी जी हम बैठे रहेंगे कमा भाड़ी में, यही कमता है मन, यही मन के अंदर बार बार फेर फेर आती है तो हमारा क्या चल रहा है, इसलिए मैं अब क्या कर सकता हूँ। ये राज्य महाराज क्या हुक्म ही है समझ लीजिए। महामती कहे मोमिनो, श्री महामती कहे ऐ मोमिनो ऐ सुंदर साहब जी, और कहो हकीकत जी, अब आगे की हकीकत सुनो। उसके पहाड़ी से कामा पहाड़ी से जब चले अगली बात लो बिगड़ा बंदा, तो अब वो चिट्ठी मोमिनों के पास गई। फिर स्वामी जी ने कहा था अकेला नहीं सब जने इकट्ठे हो गए तब चिट्ठी पढ़ना सोचना विचार करना। तब जो है मोमिनों ने विचार किया भाई स्वामी जी मेरे पास तो दिल्ली है नहीं, 90 किलोमीटर पर बैठे हैं, तो फिर 200 किलोमीटर पर भी बैठेंगे तो कांजी भाई और शेख बदल जो है समाचार लाता रहेगा, फिर उनको हम क्यों रोके। हमारे सिर पर जब धनी कहते हैं मैं एक टांग पे खड़ा हूं तो फिर हमें किस बात की चिंता है। सब ने सर्वसम्मति से चिट्ठी लिख दी कि स्वामी जी आप खुद मालिक हैं, आप सदा हमारे सिर पर खड़े हो जहां भी रहो, तो फिर कोई ऐसी बात नहीं। फिर स्वामी जी चिट्ठी लिखे अरे भाई अगर मैं 4 दिन वजूद से दूर भी हो गया तो मेरी आत्म कभी भी तुमसे जुदा होने वाली नहीं है। फिर स्वामी जी को चिट्ठी लिखते हैं जो धनी आपका हुक्म है हमें मंजूर है जहां भी जाओ और फिर हमें पत्र देना। अब यहां से स्वामी जी कायम हो वो जो थी कौन सी जगह, हाँ कामाबाड़ी, उसको छोड़ करके अब राजस्थान उदयपुर की तरफ बढ़ते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। Oh,
सदा सुखदाता नाम धनी मैं कहाँ कहूँ किस बात जैसे मामत युगल सब पर वारी अंगना बल बल जात जी पिया हो तेरसी जियो मैं अर्ज करूँ श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सुंदर साथ जी की जय।